शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ए नरस, क्या है? तमेरे को एक बात पूछूं? क्या पूछना है? तमेरे लोग मेरे को इधर काय को लेके आए? खामोश, इधर ज्यादा बात नहीं करने का। तुम्हारा बलात्कार हुआ है ना, अभी तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। चेकअप? तमेरे से दूसरी बात पूछूं? तमेरा हार्ट स्ट्रांग है ना? क्यों नहीं, धक्का लगने का चांस है। देखो, जो भी कहना है मिसेस गायकवाड़ से कहना, वो अभी आती होंगी। मिसेस गायकवाड़ बेचारी सुकर से, धक्का तो उसको भी लगेगा ना बेचारी को। ही हलकर साला, मेला मर्द लोगन को बहुत सर्दी है। अगर बलात्कार करने के टाइम जरा शर्म नहीं आता ही लोगन को? चला कपड़े काटा। तो मेरे को मेरे पे दया आ रही है। ओ बाबा, आती है मेरे को, पर तो मेरे लोग पे दया आ रही है। क्यों? तो मेरे लोग मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर से चेकअप कर डालो। बस अगर जब तक हम तुम्हारा चेकअप नहीं करेंगे तो हलकट मुथर खड़ सिंह को सजा कैसे दिलाएंगे? चला काड़ा काड़ा। मैं हाथ जोड़ के तमेरे से विनती करती हूँ, तुम लोग सब अच्छे घर के लड़की हो, मेरा चेकअप करके अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबा। शर्माती है, शर्माती है। चला हाथ पाई पकड़ा। डॉक्टर ने पकड़ा, लड़ा ने जकड़ा, जकड़ के मेरे को गिरा दिया, गिरा के मेरा चेकअप किया और खुद का साथ ज्यादा किया। किया और बाकी को जिंदा लाश किया, बाकी को जिंदा लाश किया। हे जीरे जीरे। हाय हाय वालियां वाले, ओए पियो कालू। वो थोड़ा खुल के क्या भगवान जा, ओ ठहर, ओ गुड़ लग तो लेती जा। एक्सक्यूज मी। यस। सुनिए, मेरे दोस्त लोग हैं ना, आपकी पर्सनालिटी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। चलो प्लीज बताएगी आप में एग्जैक्ट खूबियां क्या हैं? बताऊं? हाँ। ये ले। मैंने आपके हाथ की खूबियां नहीं पूछी थी। हट जाओ मेरे सामने से। मैं कहती हूँ हट जाओ। I said just get out. Hey, लड़की को छूना तो दूर की बात है, पहले इस बॉल को तो छूकर बताओ जो तुम्हारा अपना है। चल रहे। क्या है? बिल। काय का बिल? हमें तो कुछ खाया भी नहीं। जो खाया नहीं है उसका बिल नहीं है, जो खाने वाला है ना उसका बिल है। पढ़ पढ़। एक तार, एक आंख, बराबर एक पाव की नली, आगे बढ़। एक रीढ़ की हड्डी, हाँ निकलता जा। एक फसली की हड्डी, हाँ चल चल। एक भेजा, और भी है। एक अतरी, हाँ। ए बिल दे रहे इसका। हाँ तूने लगाया ना, बिल भी तू ही चुकाएगा। ए ला बॉल दे। ए तुझे बॉल की पड़ी है, मेरे हाथ की नहीं। ओए भगवान, पहले बॉल तो ले ले, फिर तुझे भी छुड़ा लेंगे। ए घर में जाकर लड़ना, बॉल चाहिए ना। हाँ। ये ले। छूट गया। Thank you.
तू बॉल से मारेगा, बॉल से? तेरे को मैं चाकू से मारूंगा, चाकू से। ए भाजी काटने की छुरी किसी और को दिखाना। जाता है क्या अभी? बकरियों की तरह मैं क्या कर रही हूँ? खूबसूरत लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनकर स्विमिंग करने का कोई हक नहीं है, और स्विमिंग करने का बहुत शौक है ना, तो घर के सामने एक खड्डा बनाओ, उसमें कूद जाया करो। वो कंजूस का है। कौन? तुम्हारा बाप। उसको बोलो कि उसके क्लब के पैसे बच जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें छेड़ने के लिए यहाँ चला आया, वरना पता नहीं क्या होता। रोहित, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे इस तरह खड़े खड़े तुम अपने अफसोस को जाहिर मत करो ना, बैठ के चाय पीते पीते सॉरी बोलो, आओ ना। चीयर्स। ये नसीब से नसीब टकराने की शुरुआत जो होती है ना, वो चाय से ही होती है। देखो ना, जब कोई लड़का किसी लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की बड़ी शर्मा कर हाथों में ट्रे लेकर आती है और कहती है कि चाय लेंगे आप? Don't you think this is right? Huh? I think you are. ओ देखो वाल्या वाल्या, कैसे अपनी हीरोइन को हीरोगिरी बता रहा है। हाँ रे, चल इसकी हीरोगिरी निकालते हैं। चल रे। ओए होट बहुत खूबसूरत है। चाय पिए? ओ शिट। ओ भाऊ, अरे अबे वादा किया था कि मार खाने का 2000 देगा, और आप 500 रुपए में टरकाता है क्या? और ये ले, तेरा 500 रुपए नहीं चाहिए। क्या बकवास करता है सीमा, मैं लोग जानता तक नहीं। ओए बहन की डरिए मत, मैं आपके पैरों को हाथ लगा रहा हूँ। ये बड़ा चीटर है, इसने कहा था कि आपके सामने जूटी मोटी मार खाने का 2000 दूंगा, अब सिर्फ 500 मीटर का रहा है, तो न्यूज़ का ही क्या? अरे चल भगवान चल। सीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। सीमा कुत्ते कमीने। हाँ अभी होट अच्छे लग रहे थे, और अभी कुत्ते कमीने। सुनिए मैं चाय पी लूं। चल तेरी माँ की याद निकल। देख उस लड़के से हमारी जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन उस मुए के सारी हीरोगिरी निकाल दी। ओए वालिया वाले, 500 रुपए गए तो कोई गम नहीं, लेकिन ये तो देख कैसे हमने लड़की को लड़के से अलग कर दिया। एक चुम्मा तो मुझसे उधार ले ले। क्यों बे अंधे, ये बोर्ड दिखाई नहीं देता? एक चुम्मा तो मुझसे उधार ले ले। चल हवा ने चल। कमाल करते हो तुम भी, सारी गलतफहमियां दूर हो गई, प्यार हो गया, अब मुझसे दूर भागने का मतलब? जो समझ ले। हाय रब्बा, इतने लखा वाली जान चली गई और तेने तो कोई फर्क ही नहीं पैंदा, ये चंगी गल नहीं है। हाँ ज्यादा शानी मत बन, हट सामने से। तो क्या मैं पीछे पीछे नहीं आ सकती? चल जा चल जा जा, भाव खाता है। ये सीमा इतनी सी थी जब इसकी माँ परलोक सिधार गई, तब से मैंने इसको माँ और पाप दोनों का प्यार देकर बड़ी कंजूसी से पाला है मैंने इसको। नहीं नहीं, मतलब बड़े नाजों से पाला है मैंने इसको। इसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझा, इसके हर खर्चे को अपने नुकसान समझा। भाई मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या भाई, शादी इसकी हो रही है, तुम काहे के लिए शुक्रिया 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 कर रहे हो? चलो कर रहे हो तो लो मिठाई खाओ। कैसी लगी? लेकिन चाचा जान, आपने तो मिठाई खिलाई नहीं। खिलाने वाले की नियत देखनी चाहिए, उसका हाथ नहीं देखना चाहिए। नियत थी ना, तो मिठाई की क्या जरूरत? चाचा जान, ऐसी मिठाई मैं आपको खिलाऊं? मैं नहीं खाता, मुझे डायबिटीज है। हैं? अंकल अंकल क्या? मैं अपने मम्मी डैडी को ले आता हूँ, और उनके आते ही मंगनी। अरे कमाल के आदमी हो,
मंगनी में भी खर्चा करोगे? नहीं नहीं नहीं, मंगनी को मारो गोली, आते महीने की 15 तारीख को मंगनी के पैसे में ही शादी कर डालते हैं। अरे भाई आप वहां रखिए, चलिए देर हो रही है। बेटी तू क्या कर रही है, तू भी तो तैयार नहीं है, बारात जाने का वक्त हो रहा है। हेलो, जगमोहन जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोल रहा हूँ। आपको एक बहुत बुरी खबर देनी है, जिस बस से बारात आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। बस का एक्सीडेंट हो गया? और जितने भी बाराती थे सब के सब मारे गए। मारे गए क्या? और डॉक्टर रोहित को बचा नहीं सके? पगली वो खबर झूठी थी। हाँ ये देखो, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये देखो ये वही हाथ है जो तुम्हारे थप्पड़ को रोक लिया करते थे, ये वही आँख है जो तुम्हें देख के मिस लिया करता था मैं, ये वही होठ है जो तुम्हें देख कर सिटी पे जाया करते थे। तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें देखने आऊंगा। तुम आराम करो, मैं आऊंगा। मिस्टर अमर, सीमा को ठीक करने के लिए ऐसा कौन सा इलाज है जो हमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारी एक नजर ने जो काम किया है उसके आगे हम बेबस हो गए। थैंक यू डॉक्टर। अब तो सीमा का एक ही इलाज है। रोहित, मिस्टर अमर, बड़ी मेहरबानी होगी इस गरीब बाप पर अगर आप सीमा की जिंदगी में रोहित बनकर आए। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके वक्त की कीमत को जानता हूं मिस्टर अमर, लेकिन एक मासूम की जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती। और जब उसे असलियत का पता चलेगा तो उस मासूम की जान का क्या होगा, जानते हैं आप? उसकी जान जा सकती है। नहीं नहीं बेटा, ये नौबत आने से पहले मैं उसे समझा दूंगा कि तुमने जो भी किया उसे एक नई जिंदगी देने के लिए किया। तब तक उसमें ये दर्द सहने की ताकत भी आ जाएगी और उस लायक भी हो जाएगी। पर तब तक मैं उसे ये भी बता दूंगा कि उसका रोहित जिंदगी में नहीं रहा। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं, मैं इस तरह किसी के जज्बात के साथ नहीं खेल सकता, ये नामुमकिन है। यक, मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं एक बाप होकर अपनी बेटी को धोखा दे रहा हूं, क्या करूं? मजबूर हूं, बहुत बहुत ज्यादा मजबूर हूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं दामन फैलाता हूं, मेरी बेटी की जिंदगी मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हारे पैर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, ये गाड़ी क्यों रोकी तुमने? तुम्हें याद नहीं, हम यहाँ अक्सर मिला करते थे। हाँ 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 क्या ढूंढ रही हो सीमा? रोहित, मैं वो पेट ढूंढ रही हूँ जिस पर हमारे नाम लिखे थे। कहाँ गया? मिल गया रोहित, देखो। रोहित, अरे कैसे रे तू?
ठीक हूँ। आप मिसेस गायकवाड़? भूल गया क्या मेरे को? मिसेस गायकवाड़? अरे जब मेरे को मालूम पड़ा ना तू जिंदा है ना, मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन जब मैंने सुना कि तू मर गया है, अरे मैं रोज रोज सोच सोच के रोती थी। कितना हलकट था रे तू, कितना रुला है मेरे को। याद है तू लड़की बनकर आया था एक दिन हॉस्पिटल में। कंग्रेचुलेशन सीमा, तेरे को तेरा सालू मिल गया। आज शाम को हम लोग एक पार्टी रख रहे हैं। मी आएगी ना? हाँ मी आएगी, ऐसा क्या सब मी आएगी। गायकवाड़ हाय, पत्नी आ गई ना। जरा वापी चला दो, चल 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 चल, रखो इधर, तुम जाओ जरा हवा खा के आओ। भाई साहब आप जरा चलेंगे, जरा घर की बात है। क्या है भाई मेरा दीवाला खसकाओगे? ये इतना बड़ा बड़ा पैक बना के दे रहे हो, क्या नहलाओगे लोगों को? सर लोग मांग रहे हैं तो मैं क्या करूं? लोग मांगेंगे तो क्या पूरा बार उठा के दे दोगे? यहाँ ये विस्की, जिसने ज्यादा रिच उसकी उसकी जिंदगी दुनिया से किसकी? जिंदगी दुनिया से किसकी? जी इसको ज्यादा पीने से हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, किडनी फ्लॉप हो जाती है, गुर्दे फ्लॉप हो जाते हैं, दुनिया की हर बीमारी हो जाती है। ज्यादा पीने के बाद सड़क पे जाके बेहोश हो जाता है, घर जाके बीवी बच्चों को मारता है, बीवी बच्चे उसको मारते हैं। विस्की दुनिया में बदनाम हो जाएगी, लोग फिर विस्की से ऐसे डरेंगे जैसे प्लेग से डरते हैं। तू क्या चाहता है विस्की दुनिया में बदनाम हो जाए? बस कीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अब आप बताइए मैं क्या करूँ? उठ बैठ करो और क्या करोगे? नहीं सर, मेरा मतलब है कोई विस्की मांगे तो मैं क्या करूँ? एक काम करो, कोई फुल पैक मांगे तो उसको आधा पैक देना, और जो आधा पैक मांगे उसे उसको खाली सोडा देना पानी मिला के। Just one second. Rohit. I'm so happy to see you. Come, let me just introduce you to my friends. आज की पार्टी बहुत बहुत अच्छी है सर। आपका पहला ग्लास है? मेरा पांचवा है, लेकिन पहले जैसा लगता है। पियो। It's a pleasure to meet you. Kaisa hai tu? Excuse me, sir. और कैसे मिजाज है आपके? Yes. Rohit, यार मैं तुमको उस जमाने से जानता हूँ जब तुम चड्डी पहन के घुमा करते। बचपन से जानते, जरा सुधार के बोलिए इस बात को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ था, चेकअप हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ था? मैं तो खड़ा हूँ सर। काफी देर से खड़े हैं, जरा घूम के आते हैं। उधर मजा नहीं है? बहुत मजा, आप चलिए सही है, ऐसे घूमते हुए चलिए, चलिए ऐसे ऐसे घूमते रहिए, ऐसे शाबाश सर। उस दिन मेडिकल चेकअप हुआ तो उसमें क्या हुआ था? जी सर थोड़े से। हजरत इस खुशी के मौके पर मैं अपने दोस्त रोहित की खिदमत में चंद अशार पेश करने जा रहा हूँ, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। एक मिनट सॉरी सर, माफ करना अनवर भाई। ए रोहित भाई, उस दिन तुम्हारा, अरे मेरी बात तो सुनो यार, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था वो, उसके बारे में मिसेस गायकवाड़ बताइए ना। हाँ, मैं बताती है तुम्हारा ही बात का जवाब सिर्फ मी दे सकती है। देखो भाई, मेडिकल चेकअप हुआ था रोहित का, लेकिन बेहोश मी हो गई थी। इसका मेडिकल चेकअप होने से तुम्हारा बेहोश होने का क्या वास्ता? ओ मैं बाद में बताएगी, है कि नहीं? चल मेडिकल चेकअप, अरे चल ना। बेहोश मिसेस गायकवाड़ हो गई। हाँ तो अर्ज किया है, वो देख देख हमें जीते हैं, वो देख देख हमें जीते हैं, हम देख देख उन्हें पीते हैं। ये मेरी इजार का नाड़ा नहीं है दोस्तों, मेरे फटे जूतों के फीते। शुक्रिया शुक्रिया।
बेटा एक बार फिर कहना, तुम मेरी बेटी से? आपके कानों ने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं वाकई सीमा से शादी करना चाहता हूँ। सुना, ये अमर है, हमारी सीमा से शादी करना चाहता है। बहुत बड़े घर से रिश्ता है हमारी बेटी के लिए, बहुत नेक और शरीफ लड़का, ये वही लड़का जिसने हमारी बेटी की जिंदगी बचाई थी। लेकिन बेटा, तुमने इस बारे में कभी सोचा है कि सीमा को कभी इस राज का पता चल गया कि तुम रोहित नहीं अमर हो तो? आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं उसको सारी हकीकत बता दूंगा। राज चाहे पति का हो या पत्नी का, अगर उसे दोनों के बीच खोल दिया जाए तो बड़कपन होता है, और छुपाया जाए तो धोखा होता है। बात सही कहा तुमने, इंसान भले अपनी जान दे दे मगर किसी को धोखा ना दे। आज मैं हमारी शादी की बात करने तुम्हारे डैडी के पास गया था। रोहित, हम तो बरसों पहले अपने दिलों को जोड़ चुके हैं, तुम मुझे अपनी पत्नी और मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। सीमा, मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। क्या बात है रोहित, कोई परेशानी है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं रोहित नहीं हूँ तो? क्यों मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं है सीमा, देखो हम दोनों शादी के कटूट बंधन में बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यही बेहतर होगा कि मैं अपनी जिंदगी की हकीकत को तुम्हारे सामने एक शफाफ शीशे की तरह रख दूं। मैं अमर हूं, रोहित का हमशक्ल। रोहित की मौत ने तुम्हें जिंदा लाश बना दिया था सीमा, जब तुम्हारे पिताजी की नजर मुझ पर पड़ी तो तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए उन्होंने मुझे रोहित बनने पर मजबूर कर दिया, और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मोहब्बत के लिए इतनी ईमानदारी, सच्चाई और नेकी देखकर मैं खुद तुमसे प्यार करने लगा, और आज बात यहां तक आ गई है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं सीमा के रोहित तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं भी रोहित से कम प्यार नहीं करता हूं तुमसे। हाँ। तुम मानो अमर, रोहित के बारे में सब कुछ जाने के बाद भी तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी। इंसान को हमेशा खुली किताब की तरह जीना चाहिए सीमा, इसीलिए आज तुम्हें अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। दरअसल बहुत दिनों से मैं अपने दिल, अपनी आत्मा पर एक बोझ लिए भटक रहा हूँ। हाँ सीमा, बोझ। आज से कुछ दिनों पहले अखबारों में खबर आई थी कि मेरे चाचा ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मगर आज तक कोई इस राज को जान नहीं पाया कि वो आत्महत्या नहीं थी बल्कि कत्ल था, और वो कत्ल मेरे हाथों से हुआ था सीमा। क्या? तुम्हारे हाथों खून? हालात ही कुछ ऐसे थे सीमा, मेरी जगह अगर फरिश्ता भी होता तो वो भी यही करता। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी मौसी और मेरे चाचा रहते थे, मेरे अनाथ होने के बावजूद मेरी मौसी ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा। चाचा जी, छोड़ दीजिए मौसी को, छोड़ दीजिए मौसी को। चाचा जी, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले? अरे हट! हम पे हाथ उठाया तूने, भूल गया तू इतना ज्यादा, तेरे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया हमने, हम पे हाथ उठाया तूने, अभी बता दूं तेरे को। होश में आइए और रिवॉल्वर फेंकिए उस तरफ। चाचा जी, क्या कर रहे हैं चाचा जी? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, रिवॉल्वर मुझे दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? चाचा जी, ओ, आ, 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 नहीं, अमर, ये क्या हो गया?
मौसी, मैं तो रिवॉल्वर छीन रहा था, ये गोली कैसे चल गई? मैंने जानबूझ के खून तो किया नहीं मौसी, अब हम क्या करें मौसी? मौसी हेलो पुलिस, पुलिस में सक्सेना। मौसी पुलिस को फोन क्यों कर रही हो तुम? पुलिस को फोन करने दे मुझे, अदला ये रिवॉल्वर मुझे दे दे, मैं पुलिस से साफ साफ कह दूंगी कि तेरे चाचा जी मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, अपनी इज्जत बचाने में मुझसे खून हो गया, मैं कह दूंगी। नहीं नहीं मौसी, खून तो मैंने किया है, तुम इल्जाम अपने सर पे क्यों लोगी? और ये इल्जाम मैं तुम्हें अपने सर पे लेने भी नहीं दूंगा। तू अगर अपनी जिद पे अड़ा रहा तो मेरी जिद भी सुन ले, मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। तुम अपने आप को गोली क्यों मारोगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? समझ में नहीं आता क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। अमर तू किसी की भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी कॉपी कर सकता है ना, तो फिर चाचा जी की हैंडराइटिंग में खत मैं समझ गया, मैं समझ गया मौसी। ताकि किसी को भी तेरे ऊपर शक ना हो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, जा जाना जल्दी। और इस तरह हम लोगों ने मिलकर इस कत्ल को खुदकुशी का नाम दे दिया। मेरे और मेरे मौसी के अलावा तीसरी सिर्फ तुम हो जिस पर ये राज खुला है। अब तुम ही बताओ सीमा, मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम क्या करती? सीमा चुप क्यों हो? तुम्हें नफरत हो गई मुझसे? सीमा चंद्रवेदी स्पीकिंग। सर मैं इंस्पेक्टर सीमा बोल रही हूँ। हमारा मिशन कामयाब हो गया है, अमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।